भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रामड़ उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट नगीना से 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है और डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक इंटरव्यू में बयान दिया और उसमें चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की इंडिया गठबंधन से बात नहीं बनी है। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्टीकरण दिया है कि वो तो गठबंधन में रहना चाहते हैं और जनता भी भाजपा को हटाना चाहती है, लेकिन शायद गठबंधन ही इसके लिए सक्षम नहीं है। उनका सीधा वार गठबंधन पर है, सपा और कांग्रेस पर है कि सपा और कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग कर ली, लेकिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को आखिरकार सीट शेयरिंग क्यों नहीं की, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को कोई भी सीट अभी तक नहीं दी गई है और इसका कोई ऐलान भी नहीं किया गया है। इंडिया अलायंस के पीडीए गठबंधन जो कि उत्तर प्रदेश में बना, उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनावी तारीखों का समय नजदीक आता जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आजाद समाज पार्टी को ये नहीं बताया है कि आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी कि मतलब साफ है कि सपा और कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है या उनको सीट देना नहीं चाह रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने नगीना की लोकसभा सीट से अपना चुनाव प्रचार चालू कर दिया है, शुरू कर दिया है और वो नगीना से चुनाव लड़ेंगे। दिन रात मीडिया पर यह चल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ पीडीए गठबंधन में शामिल हैं और वो नगीना से गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अभी तक आपने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि सभी टीवी चैनल यही दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो पीडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना है उसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल है, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी भी शामिल है। लेकिन अगर शामिल है तो फिर आजाद समाज पार्टी को सीट क्यों नहीं दी जा रही है, यानी कि सीट शेयरिंग क्यों नहीं की जा रही है। इसको लेकर एक इंटरव्यू में जो द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को इंटरव्यू दिया चंद्रशेखर आजाद ने, उसमें यह भी कहा है कि अगर हम इंडिया गठबंधन पीडीए का हिस्सा है तो हमारी पार्टी को कितनी सीटें पीडीए गठबंधन दे रहा है उसको लेकर बताए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान कर दिया है कि वो खुद तो चुनाव नगीना लोकसभा से लड़ेंगे ही, बल्कि उत्तर प्रदेश में 10-15 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। वो सीटें अमरोहा, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, अयोध्या हो सकती हैं। इन सीटों पर आजाद समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनका बहुत अच्छा खासा रुख माना जाता है। दलित वोटरों में चंद्रशेखर आजाद की बहुत मजबूत पकड़ है। किसी भी समाज के साथ जब कोई गलत कार्य होता है तो चंद्रशेखर आजाद वहां पर जरूर पहुंचते हैं। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात रखते हैं और सरकार को हिलाने तक का कार्य कर देते हैं। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद 33 साल के राजनीतिक करियर में एक वो धूम मचाकर रख दी है जो उत्तर प्रदेश में उनको हर कोई जानता है। यही वजह है कि आज के युवाओं के चंद्रशेखर आजाद आइकॉन बन चुके हैं। दलित जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को अपना युवा आइकॉन मानते हैं। कहीं तक कुछ साल पहले दलित समाज के जो युवा थे वो बहन कुमारी मायावती जी को अपना आइकॉन मानते थे, लेकिन अब वो युवा चंद्रशेखर आजाद को अपना आइकॉन मानते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का बात करने का लहजा और बात रखने का लहजा, अगर किसी के साथ गलत होता है तो उस आवाज को उठाने का लहजा बहुत मजबूत होता है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद की फैन फॉलोइंग यानी कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। एक बयान में भी उन्होंने कहा था कि गरीब के बेटे को कोई नहीं चाहता कि वो राजनेता बन जाए। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने तंज कसा था कि राजनीति में लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें चंद्रशेखर आजाद नगीना की लोकसभा सीट से लड़ेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो, ये बात तो सत्य है। इसके साथ अगर वो गठबंधन में शामिल नहीं होती है, उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है, तो वो अपने प्रत्याशियों को और भी सीटों पर उतार सकते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद नगीना की लोकसभा सीट पर पिछले एक महीने से लगातार प्रचार कर रहे हैं और बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद का नगीना की लोकसभा में
अच्छा खासा रुख है, क्योंकि जो नगीना की लोकसभा सीट है वो सुरक्षित के लिए आरक्षित है और यहाँ पर दलित समाज अधिक है और इसके साथ साथ मुस्लिम समाज भी है और दोनों ही समाजों का समर्थन है वो चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। ये दोनों समाज का ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद को हर समाज का समर्थन मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही मजबूती से गरीब असहाय लोगों की आवाज को उठाती हैं। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद को आज उत्तर प्रदेश में पहचाना जाता है। साथियों, आपको चंद्रशेखर आजाद की राजनीति कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से लड़ते हैं तो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।